चलिए तो वेलकम बैक टू आर न्यू डी कल्चर मेरी खुद से हो गया आप लोग तो बुईज यार। आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि तुम अपनी OBS की सेटिंग किस तरह करते हो। ठीक है, मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि यार आप OBS की सेटिंग क्या यूज़ करते हो, किस तरह की सेटिंग यूज़ करते हो। ठीक है, मुझे इंस्टा पे भी 3-4 लड़कों के मैसेज आए हैं और एक तो मेरा अपना फ्रेंड है उसका भी मुझे मैसेज आया था कि भाई किस तरह की तुम लोग सेटिंग करते हो यूज़। तो मैं तुम लोगों को सीधा लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप। ओके तो बस मैं यहाँ पे आ गया अपने डेस्कटॉप पे। अब हम लोग ऑन कर लेते हैं सिंपल सा अपना OBS। OBS में अब ये चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग ये जो मेरा इंट्रो है उसके बाद ये लाइव सारा जो मेरा चलता है ठीक है वो कर रखा है मैंने। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ सबसे पहले तुम लोगों ने करना क्या। अच्छा, सबसे पहले तुम लोगों ने चेक कर लेना टूल्स में जाके, सॉरी हेल्प में जाके चेक फॉर अपडेट्स। अगर कोई अपडेट आया होगा तो वो अपडेट हो जाएगा ठीक है तुम्हारा OBS, क्योंकि तुम लोगों को पूरी अपडेट रखना है इसको ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, अब सबसे पहले चले जाओ यहाँ पे सेटिंग्स पे। यहाँ से सेटिंग्स में भी जा सकते हो और वरना तुम यहाँ से फाइल्स में जाकर आगे उसमें से भी सेटिंग्स में जा सकते हो। तो यहाँ पे आ जाओ तुम लोग जनरल में। जनरल में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं छेड़ना ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आ जाए आप यहाँ पर वीडियोज़ में भी। वीडियोज़ में जाके ये तुम्हारा जो बेस कैनवास रेजोल्यूशन है ये मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पर गए ये अपना डिस्प्ले सेटिंग्स पे। डिस्प्ले सेटिंग में जो तुम्हारा पहला है यानी जो मेन तुम्हारी स्क्रीन है ठीक है उसकी जो रिकमेंडेड है जहाँ पे 1080p है मेरे पास रिकमेंडेड ठीक है वो ये होती है बेस कैनवास रेजोल्यूशन। अब आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन वो होती है जो तुमने आगे व्यूअर्स को दिखाना है 1080p में तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है, स्ट्रीम करनी है, 720p में रिकॉर्डिंग करनी है, स्ट्रीम करनी है। उसके लिए तुम लोग एक बात याद कर लो, जान लो कि तुम्हारा PC अगर तुम करना चाहते हो 1080p पे तो तुम लोगों के पास PC अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए, रैम अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। अगर तुम लोगों के पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो तुम भूल जाओ कि तुम 1080p पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो गेम्स को। उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पे, मैं यहाँ पे 30 FPS यूज़ करता हूँ बिकॉज के 30 FPS को मिलेंगे और बाकी जो 60 या 90 FPS होते हैं वो फिर मेरे उसको गेम को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं हम आउटपुट में। आउटपुट में सिंपल में रहना या सिंपल ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये जो वीडियो बिटरेट है ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये क्या होता है। ये होता है कि तुम लोगों की वीडियो क्वालिटी यानी वीडियो के बिटरेट किस तरह है। ऑडियो बिटरेट जो तुम लोग बोल रहे हो, जो वो लोग सुनेंगे उसकी बिटरेट है 320। इनकोडर के ऊपर अगर हम बात करें तो इनकोडर यहाँ पे हमारे पास दो इनकोडर वैसे देखने को मिल जाते हैं। एक तो जो हार्डवेयर बेस्ड होता है, अगर आपका ग्राफिक कार्ड 650 से ऊपर है, GTX 650 से ऊपर है तो आपके यहाँ पे हार्डवेयर आपको शो करेगा, वरना आपको शो नहीं करेगा, अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर शो करेगा। यहाँ पे तुम लोगों को जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे होंगे इस टाइम उसके अंदर से ये जो NVENC जो है ये होता है हार्डवेयर ठीक है, लेटेस्ट हार्डवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये अपना सिस्टम बेस्ड होता है, ये मिड उसमें कर लेता है रिकॉर्डिंग लेकिन हाई एंड पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो मैं तो कहूंगा कि तुम लोग सबसे पहले ना अपना खुद ही ट्राई करके चेक कर लो कि कौन कौन सा तुम लोग यानी जो बेस्ट रहेगा वो तुम कर लेना। रिकॉर्डिंग के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो रिकॉर्डिंग में यहाँ पे तुम लोग अगर तुम लोगों का PC अच्छा है यहाँ पे हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज और सेम है स्ट्रीम कर सकते हो, वरना तुम लोग यहाँ पे लो या फिर क्वालिटी में कर सकते हो, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन पे तुम लोग कर सकते हो ठीक है। फॉर्मेट तुम हमेशा MP4 ही सिलेक्ट करना क्योंकि यार खराब हो जाएगा। इनकोडर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इनकोडर तुम लोगों को शो हो रहे हैं, तुम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कहूँगा रिकमेंड करूँगा तुम लोग सेटिंग यानी चेक कर लो, सेट कर करके बारी बारी कौन सा तुम लोगों को बेस्ट लगता है। अब यहाँ पे चले जाते हैं ऑडियो पे। ऑडियो पे जाके सिंपल रेट जो है वो जहाँ पे जितना भी तुम लोगों का आ रहा होगा 48 आ रहा है या 68 आ रहा है वो सिलेक्ट कर लेना ठीक है। और यहाँ पे हमेशा इसको स्टीरियो रखना, स्टीरियो रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेस्कटॉप ऑडियो जो तुम लोग गेम की ऑडियो है वो जो तुम लोग उसको सुनाना चाहते हो वो ऑडियो ठीक है। माइक्रोफोन अगर तुम्हारे पास 3-4 माइक्रोफोन हैं, अगर तुम लोग पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो तो तुम 3-4 माइक्रोफोन्स कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा सिर्फ एक है तो मैं यहाँ पे अपना ये माइक्रोफोन ही सेलेक्ट करूँगा ठीक है, USB 3.0 का। और मैं तुम लोगों को एक बार बता दूँ, अगर तुम लोगों के PC में 3.0 USB पोर्ट है तो उसमें ही तुम लोगों ने माइक कनेक्ट करना है, अगर तुम्हारा USB वाला माइक। और अगर तुम्हारा हेडफोन हो तो तुमने वही 3.0 वाले में ही कनेक्ट करना है ठीक है। तो हार्ड केस पे तुम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो स्टार्ट स्ट्रीमिंग का, अगर तुम्हारे पास स्ट्रीम डेक है और अगर तुम लोग कीबोर्ड के ऊपर कोई एडिशनल तुम लोग चीज़ यूज़ करना चाहते हो वो भी हो सकता है। बताता हूँ स्ट्रीमिंग का तरीका। अगर तुम लोग स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो यूट्यूब यहाँ से सेलेक्ट करके और बाकी सारा वो खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यूज स्ट्रीम की करना है। स्ट्रीम की तुम लोगों ने किसी को शो नहीं करनी, ये एक प्राइवेट की होती है जिससे सिर्फ तुम अपने चैनल पर स्ट्रीम कर सकते हो और कोई स्ट्रीम नहीं कर सकता। माइक में जो मैं बोल रहा हूँ और अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, देखना भी।
ये देखा खत्म हो गया, पीछे से कोई नॉइस नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। तो ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये हम लोग कर सकते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिल्टर्स के ऊपर आता है सबसे पहले नॉइस सप्रेशन, ठीक है। नॉइस सप्रेशन अगर तुम लोगों के पास सीपीयू अच्छा है, ठीक है, जैसे मैं कोर i5 फोर्थ जनरेशन यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना इसको क्वालिटी ही कर दूंगा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास कंप्रेसर, कंप्रेसर हमारे पास रेशियो है, थ्रेशोल्ड है, अटैक है, रिलीज और आउटपुट गेन है। ये तुम लोगों ने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है। तुम लोगों ने करना गेन, गेन जो होता है गेन ये है कि भाई जैसे अगर तुम लोगों का माइक कुछ ज्यादा ही तुमसे दूर है, माइक यानी ऊपर की तरफ लगा हुआ है या कहीं पे भी लगा हुआ है और तुमसे थोड़ा सा दूर है, तो तुम यहाँ पे गेन बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे कम कर रखी है। अच्छा, मैं जहाँ पे गेन कम करता जाऊँगा यहाँ पे ये आवाज़ मेरी कम होती जाएगी, ठीक है। अब मैं गेन बढ़ाता जाऊँगा तो मेरी आवाज़ बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इसको हमेशा की तरह यूज करता हूँ जिस पे ही रखूंगा। नॉइस गेट्स आ गए, नॉइस गेट में यहाँ पे क्लोज थ्रेशोल्ड और ओपन थ्रेशोल्ड, ठीक है। तुम लोग सेम एज इट इज रख देना, और नॉइस सप्रेशन और नॉइस गेट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे पीछे की ये जो आवाजें हैं खत्म करते हैं। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम लोगों ने ऐड कैसे करना है। तुमने ऐड यहाँ से करना, ये जो प्लस का साइन है ना, यहाँ से तुम लोग एक ऐड ये होते हैं अपने फिल्टर्स होते हैं, ये तुम लोग ऐड कर सकते हो। अगर वो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, मजे की लगी हो तो लाइक कर देना, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय, टाटा, पीस आउट।